स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा पर। बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। आप लोगों की ग्रुप डी की परीक्षा नजदीक है। देखिए, जिनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इन्हें बनाने में निश्चित तौर पे हमें परेशानी होती है। अब इन परेशानी को दूर करेंगे, एक छोटी सी वीडियो होगी, 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी। इसमें मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोज में लाता रहूंगा आपके लिए। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं बस बूंद बूंद वाला काम आपके सामने करूंगा, छोटी छोटी वीडियोज को लाऊंगा और उससे जो है आपका काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में हमको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 32 डिग्री फॉरेनहाइट को हम केल्विन में चेंज कैसे करेंगे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, और उसी प्रकार 212 डिग्री फॉरेनहाइट को हम केल्विन में कैसे बदल सकते हैं। निश्चित ही आपको ऐसे भी देख के लगता होगा कि काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक तरह की परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर या दो नंबर आपको एग्जाम में दिलाएगी। देखिए, तो वो फॉर्मूला हम लिखते हैं जैसे कि होता है वो फॉर्मूला C-0/100-0 करेंगे, बीच में इक्वल का साइन देंगे, F-32/212-32 कर देंगे, बराबर कर देंगे हम R-0/80-0 और फिर बराबर कर देंगे K-273/373-273। बस ये एक छोटा सा जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इस फॉर्मूले को अगर आप समझ जाते हैं, ऐसे आपने फॉर्मूला को देखा होगा बहुत बार, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं जो ये फॉर्मूला आज समझाने जा रहा हूँ, आप अगर समझ जाते हैं तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप दिमाग की सहायता से हल कर लेंगे, देखते हैं उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो है सी मतलब हुआ डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा, ये फॉरेनहाइट हुआ तो इसको लिख सकते हैं 32 डिग्री फॉरेनहाइट, इसको बराबर लिख सकते हैं हम 0 डिग्री आर, बराबर यहां पे लिख सकते हैं 273 केल्विन, इस तरह से ये बराबर में हम लिख दिए, ठीक है। अब उसी प्रकार नीचे वाले को भी आपको लिख देना है, देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 212 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री आर और बराबर हो जाएगा यहां पर 373 केल्विन। अब देखिए, अगर आपने सिर्फ इस चीज को निकाल लिया ना, बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था ये लिख दिया, 32 डिग्री फॉरेनहाइट यहाँ लिख दिया, 0 डिग्री आर को यहाँ लिख दिया और 273 केल्विन को यहाँ लिख दिया, ऊपर वाले से एक समीकरण एक तरह से बन गया हमारा, और नीचे वाले को अलग अलग करके एक समीकरण बना दिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री फॉरेनहाइट, 80 डिग्री आर एंड 373 डिग्री यानी 373 केल्विन। अब देखिए, यहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सबका जवाब आप चुटकियों में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, मान के चलिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जा रहा है फॉरेनहाइट में चेंज करने के लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फॉरेनहाइट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बराबर में है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, इसका मतलब ये हुआ ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर हो गया, यानी कि आपका एक आंसर निकल चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाएगा 32 डिग्री फॉरेनहाइट। देखिए कितना आसान है इसको निकालना, बस आपको इस इक्वेशन को याद रखना है और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इसके बाद देखिए, 32 डिग्री फॉरेनहाइट को हमें केल्विन में बदलना है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं, 32 डिग्री फॉरेनहाइट को केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 32 डिग्री फॉरेनहाइट यहाँ पर है ना, 32 डिग्री फॉरेनहाइट ये हुआ, इसको बदलना है केल्विन में, इसके बराबर में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 273 केल्विन लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 32 डिग्री फॉरेनहाइट 273 केल्विन के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 273 केल्विन। इसी प्रकार देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है कि कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ है और इसमें केल्विन में मान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 273 केल्विन, कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे
273 केल्विन। इसके बाद अगला जो है 212 डिग्री फॉरेनहाइट को केल्विन में बदलना है। 212 डिग्री फॉरेनहाइट ये हुआ और इसको बदलना है केल्विन में। इसके बराबर में जाएंगे, देखेंगे केल्विन कहां पर है, यहां है, तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा 373 केल्विन के बराबर। तो ये हो जाएगा 373 केल्विन के बराबर। बस ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है और इसमें ही पूरा, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसे इजिली कर पाएंगे, बेहिचक कर पाएंगे और आपको समय भी नहीं लगेगा। बस इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 32 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है, 0 डिग्री आर 273 केल्विन के बराबर होता है। इसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है। अगर पूछेगा 212 डिग्री फॉरेनहाइट का केल्विन में मान बताइए, तो केल्विन में मान हो जाएगा 373 केल्विन। मतलब किसी भी तरह से उलट के भी आपको पूछा जा सकता है कि 373 केल्विन, 373 केल्विन का डिग्री सेंटीग्रेड में मान बताइए, तो इसका डिग्री सेंटीग्रेड में मान हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछा जा सकता है कि 32 डिग्री फॉरेनहाइट को केल्विन में बदलिए, तो इसका केल्विन में मान हो जाएगा 273 केल्विन। और 273 केल्विन को बोला जाएगा कि आप डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लिया, तो यह हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी तरह से आपको किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजीली इसका जवाब दे पाएंगे। अब इसी तरह से आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस का वेटेज ग्रुप डी में काफी ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम मान क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम मान यानी कम से कम मान क्या होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को देखते हैं कम से कम, यहां तो 100 है ना, तो कम से कम मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यही पूछा जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम मान यहाँ पे दिख रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है कि केल्विन पर, केल्विन पैमाने पर सबसे अधिकतम मान क्या होगा, तो केल्विन पैमाने पर सबसे अधिकतम मान हो जाएगा 273 केल्विन, 373 केल्विन, यानी केल्विन पर अधिकतम मान, केल्विन पर अधिकतम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 373 केल्विन, क्योंकि यहाँ तो कम है ना, 273 है, यहाँ पर हो जाएगा 373 केल्विन। अगर हमको पूछा जाएगा केल्विन पर न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान क्या हो जाता है टेम्परेचर का, केल्विन पर न्यूनतम क्या हो जाएगा, 273 केल्विन, यहाँ पे लिखेंगे 273 केल्विन। इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है कि फॉरेनहाइट पर बताइए, फॉरेनहाइट पर बताइए न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगा। फॉरेनहाइट पर यहाँ 212 है और यहाँ 32 है, तो न्यूनतम वैल्यू अगर बोलेंगे तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर फॉरेनहाइट पर बोला जाएगा अधिकतम वैल्यू क्या होगा, तो फॉरेनहाइट पर अधिकतम वैल्यू हो जाएगा 212 डिग्री फॉरेनहाइट। मतलब कि जितना भी टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके एक या दो नंबर एग्जाम में फिक्स हैं, वो आ ही जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी, दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही छोटी छोटी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।